रामनवमी 2022, जानिए इस वर्ष कब मनाई जाएगी रामनवमी, क्या है इसका शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व। नमस्कार दोस्तों, जीआरएस टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम आपको रामनवमी 2022 से जुड़े संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हमारे देश में हर त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए जाते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में चल रहे इसका खास महत्व होता है। इस वक्त नवरात्रि चल रही है और बहुत जल्द रामनवमी का पर्व आने वाला है। यूँ तो देश के हर राज्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन राम जन्मभूमि अयोध्या में इस दिन एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। वहीं इस बार रामनवमी पर रवि पुण्य योग, सर्वाधि सिद्धि योग और रवि योग की त्रिवेणी संयोग बन रहा है, जिन्होंने इस दिन का महत्व को और बढ़ा दिया है। तो चलिए जानते हैं रामनवमी की पूजन विधि, मुहूर्त, कथा के बारे में। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि रामनवमी का पर्व पिछले कई हज़ारों सालों से मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भगवान विष्णु के सातवें अवतार भगवान श्री राम के जन्म के रूप में मनाया जाता है। महाकाव्य रामायण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें काफ़ी सालों तक संतान नहीं हुई थी। फिर ऋषि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्र श्रेष्ठी यज्ञ कराने की सलाह दी। ऋषि की सलाह पर राजा दशरथ ने ऋणी ऋषि से ये यज्ञ संपन्न कराया। इस संपत्ति के बाद महर्षि ने दशरथ की 3 पत्नियों को एक एक कटोरी खीर खाने को दी और कुछ महीनों के बाद 3 रानियां गर्भवती हो गईं। इन 3 रानियों से रानी कौशल्या को भगवान श्री राम को जन्म दिया। ऐसा बताया जाता है कि उनका जन्म रावण को ख़त्म करने के लिए ही हुआ था। कहा यह भी जाता है कि नवमी के दिन ही स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना शुरू की थी। रामनवमी की पूजा विधि के बारे में बात करें अगर हम, तो इस दिन सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें और पूजा स्थल की सफाई करें। फिर हाथ में अक्षत लेकर व्रत करने का संकल्प लें और प्रभु श्री राम की पूजा करें। पूजा में गंगा जल, फूल, 5 प्रकार के फल, मिष्ठान आदि ज़रूर चढ़ाएं। भगवान राम को तुलसी का पत्ता और कमल का फूल ज़रूर अर्पित करें। पूजन करने के बाद आप इच्छा अनुसार रामचरितमानस, रामायण या राम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बात करते हैं अब हम रामनवमी 2022 शुभ मुहूर्त के बारे में। तो चैत्र शुक्ल नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 अप्रैल दिन रविवार को 1:22 से। चैत्र शुक्ल नवमी तिथि का समापन होगा 11 अप्रैल दिन सोमवार को 3:16 पर और राम जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त है दिन में 11:06 से लेकर के दोपहर 1:40 तक। दिन का शुभ समय यानी कि दोपहर के शुभ समय के बारे में बात करें तो 12:04 से 12:50 तक शुभ मुहूर्त है। तो दोस्तों, रामनवमी की आपके और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।